नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको जाना होगा MySQL.com पे, या फिर डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं dev.mysql.com/downloads/installer। यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं विंडोज MSI इंस्टॉलर, वेब एडिशन या ऑफलाइन एडिशन। हम यहां से ऑफलाइन एडिशन ले सकते हैं। अगर आप जिप फाइल चाहें तो जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको mysql.com पे जाना होगा। सबसे नीचे में मिलेगा डाउनलोड्स, MSSQL कम्युनिटी सर्वर, जिस पर आप देखें तो आपको 64 बिट जिप और 64 बिट जिप विद डीबग बाइनरीज एंड टेस्ट सूट आपको ऑप्शन मिल रहा है। आप अगर चाहें तो यहां से MSI इंस्टॉलर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि वापस आप इसी पेज पे पहुंच जाएंगे जो हमने ओपन किया हुआ है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप यूज करें MSI इंस्टॉलर, जिसे आप यूज इजिली कर पाएंगे, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। लॉगिन या साइन अप करना ऑप्शनल है, आप नो थैंक्स क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। हमें इस फाइल पे या तो डबल क्लिक करना होगा या राइट क्लिक करके हम इंस्टॉल ऑप्शन पिक कर सकते हैं। अब एक बार जब इंस्टॉलर ओपन हो जाए तो हमें सेलेक्ट करना है कि हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो हमें कम से कम MySQL सर्वर इंस्टॉल करना होगा। अभी यहाँ पे वर्जन अवेलेबल है 8.0.820। बाकी ऑप्शंस ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कीजिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साथ साथ MySQL वर्कबेंच सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो यहाँ पे कनेक्टर्स अवेलेबल है, जैसे जावा के लिए कनेक्टर अवेलेबल है, डॉट नेट के लिए, पाइथन के लिए, सी प्लस के लिए। तो आपको जो भी कनेक्टर इंस्टॉल करने हो उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो बाद में भी इन्हें ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सैंपल्स अगर आप चाहते हो तो सैंपल्स भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा MySQL डिपेंडेंसी चेक करेगा। अगर कोई डिपेंडेंसी मिसिंग होगी तो वो इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट आप ऑन रखिएगा, जिससे कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो पाए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्रोसेस 2019 रन टाइम एग्जीक्यूटेबल, अगर आपके सिस्टम में पहले से नहीं होगा तो डाउनलोड होगा वो। मेरे सिस्टम में क्योंकि डिपेंडेंसीज पहले से इंस्टॉल्ड है तो मेरे में डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। अब वन बाय वन जो जो हमने ऑप्शंस पिक किए थे वो इंस्टॉल हो रहे हैं। हमें वेट करना होगा जब तक कि सभी एप्लीकेशंस इंस्टॉल ना हो जाए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हमसे पूछा जाता है कि हमें क्या इंस्टॉल करना है, स्टैंडर्ड MySQL सर्वर या InnoDB क्लस्टर। तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड MySQL सर्वर, क्योंकि हम अपने ही सिस्टम पे रन कर रहे हैं। हमें कॉन्फ़िगरेशन टाइप क्या चाहिए, डेवलपमेंट कंप्यूटर या सर्वर मशीन। तो हम क्योंकि डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कंप्यूटर ले सकते हैं। MySQL की डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होती है 3306। अगर किसी और एप्लीकेशन से कॉन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब पासवर्ड, आप स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन चाहते हैं या लेगेसी सिस्टम चाहते हैं जो कि 5.x के कंपेटेबल है। तो अगर आप पुराना MySQL डेटाबेस यूज करते हो तो आप लेगेसी ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पुराने MySQL डेटाबेस को यूज नहीं करते तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी ले सकते हैं।
MySQL में बाय डिफॉल्ट रूट यूजर बन जाता है जिसका पासवर्ड आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होता है। रियल लाइफ में आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देते जो इजिली क्रैक ना हो पाए, लेकिन यहां मैं सिंपल पासवर्ड दे देता हूं जिसका से यहाँ पे वीक शो होगा। डेवलपमेंट में रूट यूजर को रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि इजिली कोई हैक कर सकता है, तो हम नए यूजर्स बना के उनका यूज करें तो बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक यूजर बना रहा हूँ भारत, अब आपको डिसाइड करना है कि वो सभी होस्ट पे वर्क करे या कि वो लोकल होस्ट पे वर्क करे, तो बाय डिफॉल्ट ऑल होस्ट रहता है। आप इसका रोल देना चाहते हैं क्या वो आप यहाँ डिसाइड करेंगे, जैसे बैकअप एडमिन, डीबी एडमिन, डीबी डिजाइन, तो आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगे आप दे सकते हैं। मैं अभी से डिफॉल्ट रहने देता हूँ। हम यहाँ पे पासवर्ड डिसाइड करना है कि पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं। अगेन यहाँ मैं एक सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ। अगेन सिस्टम बता रहा है कि मेरी जो पासवर्ड है वो काफी वीक है। ओके और फिर नेक्स्ट, जैसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करेंगे तो क्या आप चाहते हैं कि एज ए सर्विस यूज हो? यस। क्या ये विंडोज के स्टार्ट होते ही अपने आप स्टार्ट हो जाए? यस या नो? तो हम चाहते हैं कि अपने आप स्टार्ट ना हो, हम इसे मैनुअली स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे आपको मैं सिखा दूंगा। और आप विंडोज में कौन सा यूजर अकाउंट यूज करना चाहते हैं? तो हम चाहते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट यूज हो। आप अगर कोई कस्टम यूजर देना चाहें तो कस्टम यूजर भी दे सकते हैं। अब हमने जो ऑप्शंस पिक किया उसके बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हमने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, डेटाबेस इनिशियलाइज हो रहा है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होकर हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब हमें सैंपल्स इंस्टॉल करने होंगे जिसके लिए हमसे डेटाबेस पूछ रहा है और उसका पासवर्ड। हमने चेक कहा और कहा नेक्स्ट। अब हमारा जो सैंपल और एग्जांपल से वो भी इंस्टॉल हो गए हैं। हमने यहां फिनिश क्लिक किया और नेक्स्ट। अब हमसे पूछ जा रहा है कि जैसे हम इसे फिनिश करेंगे तो MySQL वर्कबेंच स्टार्ट करना है कि नहीं, तो मैं इसे अनचेक कर देता हूं और फिनिश। अब दोस्तों मैं सर्विसेज में जा रहा हूं जिसके लिए मैं लिख रहा हूं services.msc। यहां से अगर आप देखें तो MySQL डेटाबेस रनिंग है लेकिन मैनुअल किया हुआ है। हम चाहे तो इसे यहां से स्टॉप भी कर सकते हैं और फिर से प्रैक्टिकल करने के लिए आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज के स्टार्ट होते ही ये स्टार्ट हो जाए तो आप इसे ऑटोमेटिक रख सकते हैं, लेकिन सिस्टम का परफॉर्मेंस लो हो जाएगा तो मैनुअल रखना बेहतर ऑप्शन होता है। और आपको जब जब वर्क करना हो तो आप इसे मैनुअली स्टार्ट कर लीजिए। अब मैं आपको MySQL में वर्क करना सिखा देता हूं कि कैसे MySQL में बेसिक कमांड्स लिख सकते हैं, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूं MySQL कमांड लाइन क्लाइंट का। यहां हम वो रूट का पासवर्ड पूछ रहा है, तो जो पासवर्ड ने इंस्टॉलेशन का दिया था वही पासवर्ड मैंने यहां पे टाइप किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिलेक्ट sysdate। sysdate यहां पे एक फंक्शन है जो मैं करंट सिस्टम या सर्वर डेट दिखाता है, लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो हमें sysdate दिख रही है 2020 जून 21 और टाइम भी शो हो रही है। इसी तरह से आप चाहें तो MySQL का वर्जन भी देख सकते हैं, तो वर्जन शो रहा है 8.0.20। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस यहाँ पे बने हुए हैं। डेटाबेस होते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स, तो जैसे MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ डेटाबेस अपने आप बन जाते हैं। हम चाहें तो अपने खुद के डेटाबेस भी बना सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस, जिसे मैं नाम देना चाहता हूँ MyDB, और इसे यूज करने के हम लिखेंगे यूज MyDB। एक बार जब अपने डेटाबेस को यूज के लिए तो आप उसमें टेबल्स बना सकते हैं। जैसे मैं बना रहा हूं क्रिएट टेबल फ्रेंड, जिसमें मैं रखना चाहता हूं आईडी प्राइमरी की टाइप का जो ऑटो इंक्रीमेंट हो,
तो यहाँ पे आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं, अपने आप पे ऑटो इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट को हम प्राइमरी की स्पेसिफाई कर रहे हैं जिससे कि आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे और डुप्लीकेसी नहीं कर पाएंगे। हम नेम रखना चाहेंगे वैरकैर 20 का। वैरकैर में साइज अपने आप एडजस्ट हो जाती है जितना हम डेटा इंसर्ट करते हैं। मैक्स साइज मैंने दी हुई 20, इसको हम रखना चाहते हैं नॉट नल, आप इसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। मैं डेट ऑफ बर्थ रखना चाहता हूँ डेट टाइप का, और इसे भी मैं नॉट नल रखना चाहता हूँ। मोबाइल में रखना चाहता हूँ न्यूमेरिक ऑफ 10, इसे भी मैं नॉट नल स्पेसिफाई कर देता हूँ। टेबल क्रिएट हो गया, अब आप चाहे तो लिख सकते हैं शो टेबल्स, जिससे कि जो जो टेबल्स आपने बनाए उनकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। तो अभी मैंने एक ही टेबल बनाया है। हम डेटा इंसर्ट करना चाहेंगे तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जैसे फ्रेम, फिर जिन जिन कॉलम में आपको एंट्री करनी हो, तो मैं आईडी में एंट्री नहीं करनी है, तो हम लिखेंगे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल। तो मैं सीक्वेंस बता दिया कि हम इन कॉलम में डेटा इंसर्ट करें, फिर वैल्यूज, फिर जो भी वैल्यूज आप देना चाहें। जैसे मैं दे रहा हूँ अजय, डेट ऑफ बर्थ में पहले ईयर आएगा, फिर मंथ और फिर डेट। मैं रैंडमली कुछ भी मोबाइल नंबर देता हूँ, और रो इंसर्ट हो गई। अब आप इसी तरह से आप कुछ और भी रोज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट रो को कर देता हूँ विजय, डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज कर देता हूँ और मोबाइल नंबर भी कुछ चेंज कर देते हैं। डेटा को सेव करने के आप कमिट करेंगे, और अंत में अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन से रोज हमने इंसर्ट किए हैं, तो लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टफ फ्रॉम फ्रेंड। हमें दोनों फ्रेंड्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कभी कभी हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स हो, जैसे नेम और मोबाइल, तो आप उन कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई कर दीजिए, आपको वही कॉलम्स डिस्प्ले होंगे। अगर आप फिल्ट्रेशन करना चाहें तो फिल्ट्रेशन करने के लिए आप वेयर कंडीशन दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जहां नेम अजय हो, डेटा हमेशा केस सेंसिटिव होता है। अंत में बाहर निकले के लिए आप लिखेंगे एग्जिट। तो दोस्तों आप सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।